सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद क्या शहनाज कौर गिल हमेशा के लिए मुंबई छोड़ रही हैं? इस तरह की खबरें जो है पिछले 2-3 दिन से काफी वायरल है। एक वीडियो जो है YouTube प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया जिसमें वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। अब इस बात को लेकर उनके करीबी सूत्रों की ओर से बयान आ गया है कि शहनाज मुंबई छोड़ रही हैं, नहीं छोड़ रही, उनकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है। तो अब जो खबर आई है वो ये है कि शहनाज को लेकर लगातार झूठ फैलाया जा रहा है, शहनाज को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हो सकता है कि उनके कॉम्पिटिटर का भी हाथ हो सकता है। कई बार जो है आप नेगेटिव पब्लिसिटी भी करवाते हैं, लेकिन ये बात जो है सामने आई है कि जानबूझकर या तो व्यूज के लिए इस तरह की खबरें जो है फैलाई गई, शहनाज मुंबई छोड़कर नहीं जा रही हैं। शुरुआत में जब उनके मम्मी पापा यहाँ आए थे तब उन्होंने एक बात पूछी जरूर थी कि क्या तुम्हें वापस आना है, जिस पर शहनाज ने साफ साफ मना कर दिया था। तो उस दौरान ये खबर जरूर आई थी, लेकिन उस समय जो है माँ बाप परेशान थे, तो कोई भी माँ बाप जो है अपनी बेटी को चाहेगा कि वापस लेकर जाए, थोड़े दिन उनके पास रखे, तो उस समय जो है ये बात नेचुरल थी। लेकिन अब अगर इस बात को फैलाया जा रहा है तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि हौसला रख का प्रमोशन उन्होंने शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उन्होंने साइन किए थे उसको अब वो फिर से करना शुरू करेंगी, वापस ट्रैक पर आ रही हैं, उनकी जिंदगी जो है वो वापस अपना काम शुरू कर रही है। तो शहनाज कौर गिल हौसला रखाने वाली है, 15 को रिलीज होगी, फैंस काफी एक्साइटेड हैं, इस फिल्म को आते साथ हिट कराने के लिए जो है तैयार बैठे हैं। तो शहनाज कहीं नहीं जा रही, मुंबई में है, अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरे करेंगी और फिर से जिसे कहते हैं ना एकदम जोर के साथ यानी कि वापसी करेंगी। और जिस तरीके से जो देखने को मिल रहा था उनकी पॉपुलैरिटी, वो कभी कम नहीं होने वाली और वो अपना काम जो है बहुत प्रोफेशनल है शहनाज। अगर आपने देखा होगा हौसला रख में भी जो उन्होंने वापसी की है, काम किया है, वो बहुत प्रोफेशनल है। तो जो उनके कमिटमेंट्स है वो पूरे करेंगी और काम को लेकर उनमें जो एम्बिशन है वो जो है ज़रूर वो आगे जाएंगी और मुंबई छोड़कर वो नहीं जा रही हैं।